In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Aunty No. 1. Dosto movie Aunty No. 1, jo release hui thi 1st May 1998 ko. Ye ek Bollywood comedy movie hai jisko 5 mein se 2.5 star ki rating di gayi thi. Iske director hai Kirti Kumar, iske producer hai Suresh Jethani aur iske writer hai Sachin Bhoumik aur Kader Khan. Baat karte hain cast ki. Isme Govinda, Raveena Tandon, Kader Khan, Sai जाफरी, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, रसा मुराद और रीमा लागू, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। फिल्म जो है आंटी नंबर वन, इसकी स्टोरी का आइडिया एक मराठी प्ले से लिया गया था। वो जो मराठी प्ले था उसका नाम था मोरूची मावशी। आप बात करते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी की, तो स्टोरी में क्या होता है, जो रवीना टंडन होती है उनके सपने होते हैं कि उनकी शादी किसी अमीर लड़के से हो। अब रवीना टंडन के इस सपने के बारे में गोविंदा को पता चल जाता है, गोविंदा जो कि बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, गोविंदा रवीना टंडन को इंप्रेस करने के लिए उनके सामने आते एक अमीर लड़के बनने का नाटक करते हैं। ऐसे में क्या होता है, रवीना टंडन जो है वो गोविंदा से इंप्रेस हो जाती है, उनको लगता है कि गोविंदा बहुत ही अमीर खानदान से है। ऐसे में दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन जल्द ही रवीना टंडन को पता चल जाता है जो गोविंदा है वो गरीब है, वो झूठ बोल रहा था उनसे। अब ऐसे में जब तक रवीना टंडन गोविंदा को छोड़े उससे पहले ही उनको गोविंदा से प्यार हो जाता है। अब ये कहानी हो गई दूसरी। उसके बाद कहानी दिखाते हैं, कहानी का नया मोड़ आता है, जो गोविंदा है उनके कुछ दोस्त उनको कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हेल्प में तुम ऐसा करो कि तुम आंटी बन जाओ, यानी कि तुम्हारा जो गेटअप है तुम आंटी का गेटअप रेडी कर लो। अब गोविंदा जो है अपने दोस्तों की बात मान लेते हैं और दोस्तों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या है, गोविंदा जब आंटी का गेटअप रेडी करते हैं, आंटी के गेटअप में रहते हैं, इस चक्कर में वो एक मुसीबत में फंस जाते हैं। उस वो मुसीबत क्या होती है, गोविंदा को दो लोग, दो अंकल सचमुच की औरत समझ लेते हैं और वो गोविंदा से प्यार कर बैठते हैं, और दो अंकल होते हैं कादर खान और सईद जाफरी। अब गोविंदा जो है वो इस सिचुएशन से कैसे पार निकलते हैं ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। खैर बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 5,34,00,000 रुपए का, 5,34,00,000 रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 9,18,00,000 का, 9,18,00,000 का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 25,25,00,000 रुपीस की कलेक्शन की थी, और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 9,43,00,000 रुपीस का। इसका बजट था 3,75,00,000 का। 3,75,00,000 के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 5,34,00,000 रुपए का, उस हिसाब से अगर हम वर्डेड की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म आंटी नंबर वन बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी। यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है अबव एवरेज की। गानों की बात की जाए तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 6 गाने थे। गानों को कंपोज किया था आनंद और मिलिंद की जोड़ी ने, और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे समीर अंजान ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।